एक लाकसी कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी विगनार असल में कामयाब ऐसी हुई है कि विगनार अभी महंगी हो गई है। अच्छा, अभी कितनी की? मैंने अभी कितनी? अभी सलीम उल्ला साहब कह रहे हैं महंगी है, कहते हैं वो एक और लेना चाह रहे हैं। अभी यार किस तरह इन लोगों के जहन है, देखे बिजनेस माइंडेड। अभी सलीम साहब एक और गाड़ी लेना चाहते हैं। बिल्कुल अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए घर के लिए। कहते हैं वो तो गाड़ी, कहते हैं वो तो पार्टनरशिप है, वो तो हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो तो उसी खाते में रहेगी पक्की जिसमें हमें लगाई हुई है। वो तो जहरी बात है। अच्छा, मैं एंड होगा ना, मैं समझ रहा था इसने अपनी ले ली है। नहीं नहीं, दो हैं मिलके, दोस्त हैं। एक गाड़ी बंदा ठीक है, पार्टनरशिप वाला है, तरीका बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें अब जो मुझे अपनी एक, मेरे पास पर्सनल भी होनी चाहिए ना। वो बंदा को 3-4 लाख की रख ले फिर करीम, ये जो दूसरी है। देखो एक दफा गाड़ी आपने ली है उसको दे दी, तो फिर उससे बंदा आप ले तो नहीं सकता बार बार कि हाँ भाई आज ले आओ घर पड़ी करो, कोई फायदा ही नहीं। आज हफ्ता इतवार के लिए ले आओ, जरूरत ही नहीं है उसको, फिर छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो तो उसको बस डेली उससे ना कैश बंदा पकड़े डेली के महीने के, महीने के तो नहीं कर रहे हैं ये वाली चीज, ये तो डेली का डेली लिख रहे हैं ऊपर, आज की ये सेल है, आज की कल की ये है। ये क्यों? ये सही है ना, ये जबरदस्त है, ये फिर साथ साथ पता है क्या, वो अच्छा ना क्लियर हो जाते हैं। एक ये है और ये आपस में दोनों दोस्त हफ्ते के बाद हिसाब करते हैं। अच्छा, क्या इतने हुए हैं, किस्त निकल गई है, बकाया ये तू रख ले, ये मैं रख ले, तू ये इस तरह करते हैं। अच्छा, लेकिन एक दोस्त के पास ना डेली का हिसाब है। अच्छा, इस सलीम साहब जब उसके साथ हफ्ते हफ्ते बाद हिसाब करते हैं। अच्छा, मैंने पूरी मालूमात ली है इनसे। नहीं तो गाड़ी तो हमारे पास एक खड़ी भी है। अच्छा, एक गाड़ी तो उधर घर में खड़ी है, भी एक खड़ी है ऐसी तो घर में। मैं वही भाई को कहूँ कि यार ये तुम, वो तो फिर क्रीम के साथ ट्रैक भी लग जाएगी ऊपर, क्रीम के साथ। लेकिन ये वो आपको मैंने जिक्र किया था ना, एक स्क्रोला है। अच्छा, बड़ी गाड़ी है। बड़ी है वो, फिर क्या पता। अब बड़ी मैं आपको बताऊँ हकीकत के, बड़ी के अखराजात ज्यादा हैं और फिर वो इसकी और किसी सर्विस में चलेगी, मसलन जिस तरह कोई बिजनेस या वो जो। नहीं देखो इसमें खुद कैटेगरीज है ना, बिजनेस क्लास और ये मिनी गो में तो नहीं चलेगी। वो तो बड़ी गाड़ी है ना, इसके अंदर बिजनेस और वो पति कौन कौन सी क्लास है वो उसमें चलेगी, और वो फिर उसकी कमाई भी उसी तरह होती है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन वैसे सही कमाई के लिए ना छोटी गाड़ी विगनार सबसे बेस्ट है। मैं हकीकत कह रहा हूँ, विगनार सबसे बेस्ट है, विगनार गाड़ी कामयाब जा रही है, विगनार है। अच्छा, मैं कहता हूँ, मैं अभी सलीम साहब को कह रहा था कि आप मेरान ले लें जो नई अल्टो आई है। कहते हैं नहीं नहीं यार, विगनार के आगे कोई गाड़ी नहीं है, विगनार विगनार है। और 2 साल हो गए ना बेहतरीन जा रही है, ये शुक्र है कि बंदा आगे अच्छा मिल गया उनको, ड्राइवर भी ठीक ही है, जानने वाला होगा इनका, कोई जानने वाला है, पता नहीं उस इनके दोस्त का जानने वाला है या क्या है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना इनको ना, वो ठीक है कि बंदा आगे ठीक हो ना, गाड़ी बची रहे। तो मैं कहता हूँ गाड़ी बस समझ ले 2.5 साल 3 साल बच के चल गई है, तो बस अगर गाड़ी लग जाती है तो फिर वही ना गाड़ी उसका अगर... फिर देखो अगर ड्राइवर से गाड़ी लगती है तो जिम्मेदार कौन उठाता है फिर? ये वाला तो फिर पहले करना पड़ता है, ये पहले से करना पड़ता है क्योंकि ये ना हो। देखो उसने तो गाड़ी लगा दी और आप समझ लो कि 50,000 का खर्चा आ गया गाड़ी। मैं कहता हूँ मेन एक्सीडेंट अल्लाह ना करे कहीं हो जाए तो फिर तो बता क्या ये, अगर वो इंश्योरेंस है तो फिर चले उसका इंश्योरेंस। इन बैंक वाली गाड़ी इंश्योरेंस होती है आपको पता है? अच्छा, इंश्योर्ड होती है, इंश्योर्ड होती है, इनकी वो किस्त के साथ कट रहा होता है इसमें, तभी तो ये लोग रिस्क। मैंने अभी ये सवाल किया नहीं उनके साथ, लेकिन मुझे ये कंफर्म है 100% कि ये इंश्योरेंस होती है गाड़ी। अच्छा, तो बस ड्राइवर सही नहीं है, पंडित इस्लामाबाद में चलती है, कौन सा दूर जाती है, लाहौर तो नहीं जाती ना? तो नहीं चलती, इधर ही है बस। मैं तो बाद में लूँगा, मैं तो घर वाला खाता कहीं से हो गया या मेरे पास जब भी पैसे आए ना, मैं शुरू में कम से कम 4-5 लाख रुपए दे के लूँगा बैंक से, सही, ताकि वो किस्त कम हो जाएगी ना, जितनी ज़्यादा दूंगा उतनी किस्त कम हो।